देख रहे हैं सत्यमेव न्यूज और मैं हूँ आपके साथ योगिता शर्मा। चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की सुर्खियों के साथ। ग्रेटर नोएडा में नाले से मिली बुलंदशहर के दो युवकों की लाश, 5 दिन से थे मृतक युवक लापता। दिनदहाड़े बैग से पर्स निकालकर भागे 3 युवक, 2 को भीड़ ने दबोचा, पोल से बांधकर जमकर पीटा। पुलिस ने किया शहर के बूथों का फ्लैग मार्च, भय मुक्त वातावरण में मतदान संपन्न का दिया संदेश। बिजली के तार टूटने से कई उपकरण जले, पीड़ित प्रदर्शन कर नुकसान की भरपाई की मांग। और अब खबरें विस्तार से। झुंझुनू शहर के गांधी चौक के निकट शुक्रवार को दिन दहाड़े 3 युवक नोटों से भरे 2 पर्स बैग से निकाल कर ले गए। दोनों पर्सों में करीब 13,000 की नकदी और सोने का मंगलसूत्र था। बाद में भीड़ ने पीछा कर दोनों चोरों को पकड़ लिया और जमकर धुनाई कर दी। बाद में दोनों चोरों को पुलिस के हवाले कर दिया गया। पीड़ित सीकर निवासी जुबेर ने बताया कि उसकी बहन का ससुराल बड़ौदा में है। वह शुक्रवार को अपनी बहन को लेकर सीकर जा रहा था। वह अपनी बहन फरीदा बानो, उसके बेटे अरमान, अनीशा, आलिसा और बहन की सास के साथ बड़ौदा से पुराना बस स्टैंड तक बस में आए थे। बस से उतरने के बाद फरीदा, उसकी सास और अन्य को बाजार से कुछ सामान लेना था, जिसके चलते वे पैदल बाजार की ओर चली गई। जबकि जुबेर और उसका भांजा अरमान पीरू सिंह सर्किल जाने के लिए एक ऑटो में बैठ गए। जुबेर के पास एक बड़ा बैग और 2 थैलियां थी। ऑटो में बैठते वक्त 3 जने और आकर ऑटो में बैठ गए, जिसमें 2 पीछे और 1 उनके पास बैठ गया। बैग जुबेर के पास ही रखा था। पुराना गांधी चौक में जैन अस्पताल के निकट से तीनों मौका मिलते ही जुबेर के बैग से 2 पर्स निकाल कर भाग गए। बच्चे के चिल्लाने की आवाज सुनकर पड़ोस में काम कर रहे लोगों ने आरोपियों का पीछा किया और करीब 0.5 किलोमीटर पीछा कर दोनों जनों को पकड़ लिया, जबकि 1 जन मौके से भाग निकला। मामले को लेकर जुबेर ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा दी है। और इसके साथ आपको बता दें कि लोगों ने आरोपियों को पतली रस्सी से एक पोल के बांध दिया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए और आरोपियों की धुनाई कर दी। इसकी सूचना लोगों ने पुलिस को भी दी। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़ित ने बताया है कि 1 पर्स में 1,000 रुपये और मंगलसूत्र था, जबकि दूसरे पर्स में 13,000 रुपये और बैंक की पासबुक थी। फिलहाल पुलिस तीसरे आरोपी की तलाश में जुट गई है। किसान चौराहा पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। कार्यालय का उद्घाटन पूर्व सहकारिता मंत्री अजय सिंह कीलक और सीआर चौधरी द्वारा किया गया है। इस दौरान कार्यक्रम को सीआर चौधरी और पूर्व सहकारिता मंत्री अजय सिंह कीलक ने संबोधित किया और साथ ही राजसमंद लोकसभा भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी दिया कुमारी के समर्थन में वोट मांगे। और वही कहा कि जो काम कांग्रेस के राज्य में नहीं हुआ है, वह मात्र 5 साल में भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है। इसी बीच पंडाल भारत माता, वंदे मातरम, जय श्री राम के नारों से गूंज उठा। साथ ही भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद के नारे भी लगे। इस मौके पर नंदकिशोर कुमावत, अटल कुमावत, गौरीदान, नितेंद्र सिंह, दीनेन्द्र कुमार, बद्री कुमावत और समस्त भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। पाली संसदीय क्षेत्र के खिमाड़ा कस्बे में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम सतरंगी सप्ताह का समापन, मतदाता जागरूकता रैली और मैराथन दौड़ पुलिस थाना खिवाड़ा के मुख्य आरक्षी कवरी लाल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
जो विद्यालय से अखरिया चौक होते हुए मुख्य मार्गों से मतदान जागरूकता के नारे लगाते हुए निकाले गए और मतदाताओं को अधिक से अधिक अपने मत का प्रयोग करने के लिए पीले चावल और मतदाता पर्चियों को घर घर बांटकर निमंत्रण भी दिया गया। वहीं लोकतंत्र मतदान पर्व को 29 अप्रैल को ज्यादा से ज्यादा मतदान करने को लेकर अपील की गई है। इस अवसर पर बस्ती मलसोनल, दौलतराम, किशन लाल, कलावती, सर्वेश सिंह सहित आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मौजूद रहे हैं। लोकसभा चुनाव शांतिपूर्ण और भयमुक्त वातावरण में मतदान संपन्न हो, इसके लिए पुलिस उपाधीक्षक चंदन सिंह महेशा, सीआई गौरव अमरावत, एसआई भीकाराम, गुजरात पुलिस सीआई के एस कुमावत, पीएस डीजे चावड़ा के सानिध्य में गुजरात पुलिस के 100 जवानों और एसी के 75 जवानों द्वारा शहर के चेतारणीय गेट से रवाना होकर बिलाड़िया गेट, पावड़ा चौक, आड़ा बाजार, चारभुजा मंदिर, थान मंडी, सब्जी मंडी, सिनेमा तिराहा, राजपुल गेट, महावीर सर्कल, मेला चौक, पाली दरवाजा सहित कई इलाकों में फ्लैग मार्च किया गया है। इस दौरान एसआई भीकाराम, आसू सूचना अधिकारी अजय कुमार बिश्नोई सहित पुलिस के जवान भी उपस्थित रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इच्छा शक्ति का ही परिणाम है कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया गया है। कश्मीर में आतंकवादियों को चुन चुन कर मारा जा रहा है और 26/11 के समय अगर सर्जिकल स्ट्राइक की जाती तो आज देश में आतंकवाद इतना नहीं फैलता। यह बात भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर अलका गुर्जर ने कल आयोजित हुई एक पत्रकार वार्ता में कही है। डॉक्टर गुर्जर ने कहा कि एक समय था जब हमारे फौजी गन लटकाए कश्मीर में खड़े रहते थे और वहां के पत्थरबाज फेंकते थे और वह चुपचाप सहन करते थे क्योंकि सरकार ने उनके हाथ पैर बांध रखे थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। मोदी ने सोचा सेना की को क्यों फ्री हैंड कर दिया जाए, उसी का परिणाम है कि सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक हुई है। मोदी की नीतियों का ही परिणाम है कि विश्व के 17 देश आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ खड़े हो गए हैं और मोदी ने कश्मीर में अलगाववादियों की सुविधा भी छीन ली है। उन्होंने कहा कि पिछले 5 साल में देश के किसी भी आजादी क्षेत्र में कोई आतंकवादी घटना नहीं हुई है। मोदी के नेतृत्व में के ही दिन है कि आज भारत का नाम पूरे विश्व में ऊंचा हुआ है। लोकसभा चुनाव में सब तरफ मोदी की लहर ही दौड़ रही है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम हमारी सरकार लेकर आई है, अब लाभार्थी के खाते में सीधा पैसा जाता है। हमने संकल्प पत्र प्रस्तुत किया है और हम संकल्पित हैं इन सभी वादों को पूरा करने के लिए। कांग्रेस के घोषणा पत्र में आर्म्ड फोर्सेस को कमजोर करने के लिए आर्म्ड फोर्सेस कोठारी हॉस्पिटल के पास बिजली के तार टूटने से हाई वोल्टेज के कारण वार्ड 3 के 2 गलियों के घरों के बिजली उपकरण जल गए हैं। घटना से आक्रोशित मोहल्ले के लोगों ने एकत्रित होकर कांग्रेस पवनपुरी में कॉर्पोरेट ऑफिस पहुंचकर प्रदर्शन कर नुकसान की भरपाई की मांग की है। कांग्रेस के महासचिव सुभाष स्वामी ने बिजली के तार टूटने की घटना और घरों में उपकरण जलने की घटना को लेकर बिजली कंपनी के सीईओ से फोन पर बात की। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर गुस्साए लोग कंपनी के पवनपुर स्थित कॉर्पोरेट ऑफिस पहुंच गए। यहां उन्होंने कंपनी के अधिकारियों के खिलाफ हंगामा किया और इसके साथ ही व्यास कॉलोनी पुलिस और आरएसी की टुकड़ी भी मौके पर पहुंची है। मामला बढ़ता देख कंपनी के सीईओ ने ऑफिस में कुछ लोगों को बुलाकर वार्ता की और लोगों ने हर्जाना मांगा है। आरोप है कि कई बार कहने के बावजूद भी तार कसे नहीं गए हैं, इसी वजह से हादसा हुआ है। और वहीं चेतावनी देते हुए कहा है कि घरों का सर्वे नहीं कराया गया तो गौशाला जीएसएस से सप्लाई बंद कराकर धरना देंगे और कंपनी के नुकसान की भरपाई के लिए सर्वे कराने का आश्वासन दिया है। समदड़ी लोकसभा
चुनाव के मद्देनजर भाजपा प्रत्याशी कैलाश चौधरी के लिए पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने जनसभा को संबोधित किया है। मुख्यमंत्री करीब 4 बजे हेलीपैड पर पहुंची, जहां उन्होंने कुछ समय के लिए कार्यकर्ताओं के साथ बैठक ली। उसके बाद में सभा स्थल पर पहुंची। सभा स्थल पर पहुंचने पर सर्वप्रथम मंच पर बैठे साधु संतों का आशीर्वाद लिया। उसके बाद कार्यकर्ताओं द्वारा विशाल पुष्पमाला और शॉल उड़ाकर स्वागत किया गया। जनसभा में भाजपा की उपलब्धियों को गिनाते हुए कांग्रेस को आड़े हाथ लिया। वहीं उन्होंने बताया कि भाजपा सरकार में कई जन कल्याणकारी योजनाएं चालू हुई थी, जिसमें आम जनता और किसानों को फायदा मिला था, लेकिन जैसे ही सत्ता में आई है कांग्रेस एक एक करके इन सारी योजनाओं को बंद करने की तैयारी कर रही है। वहीं उन्होंने बताया है कि झूठे वादों के जरिए सत्ता में आना कांग्रेस की पुरानी आदत है, इस बार भी झूठे वादों के जरिए कांग्रेस सत्ता में आने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कांग्रेस पर जातिवाद का जहर घोलने का भी आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार जातिवाद की राजनीति करने पर उतारू हो गई है और जातिवाद का जहर बोल रही है। किसी ने किया है तो हमारे एक प्रधानमंत्री ने किया है, इसको अपन आसानी से नहीं भूल सकते। अब आप लोग बैठोगे ना, एक बैठोगे तो मुआवजे से नहीं बोलेंगे, इसका क्या मतलब। वन विभाग ने खरेटा और मोठियापुर की पहाड़ियों पर अवैध खनन करने वालों पर नकेल कसने की प्रभावी कार्रवाई शुरू कर दी है। एक दिन पहले वन क्षेत्र में अवैध खनन रोकने के लिए वन कर्मी पहुंचे थे, जिन पर खनन माफियाओं ने जानलेवा हमला कर दिया था। इस घटना के बाद वन विभाग ने अवैध खनन करने वालों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। शुक्रवार को भारी पुलिस फोर्स और वन कर्मियों के बड़े काफिले के साथ संभाग मुख्यालय और जिला मुख्यालय के वरिष्ठ वनाधिकारी खरेटा मोठियापुर के वन क्षेत्र पहुंचे और सघन फ्लैग मार्च किया। इससे खनन माफियाओं में हड़कंप मच गया और अवैध खनन करने वाले भूमिगत हो गए हैं। भरतपुर के मुख्य वन संरक्षण आरपी गुप्ता और करौली के डीएफओ श्रवण कुमार रेड्डी ने बताया है कि खरेटा मोठियापुरा स्थित वन क्षेत्र की पहाड़ियों पर अवैध खनन होने की लगातार शिकायत मिल रही थी, जिस पर गुरुवार को वन कर्मी मौके पर पहुंचे और अवैध खनन ते हुए मिली ट्रैक्टर ट्रोली को जब्त करने लगे। तभी खनन माफियाओं ने वन कर्मचारियों के दल पर हमला कर दिया। इस हमले में वन विभाग का एक गार्ड भी घायल हो गया है और खनन माफिया जब्त ट्रैक्टर ट्रोली को छुड़ा ले गए हैं। इस घटना को विभाग ने काफी गंभीरता से लिया है। डीएफओ रेड्डी ने बताया कि अवैध खनन को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अवैध खनन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी, इसके लिए विभाग के पास पर्याप्त फोर्स मौजूद है। गौरतलब है कि खनन माफियाओं के खिलाफ शुरू किए गए अभियान के पहले ही दिन सदर पुलिस ने वन कर्मियों पर हमला करने के एक आरोपी को दबोच लिया है, जिससे अन्य हमलावरों के मामले में सख्त पूछताछ की जा रही है। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट आज सिंध में जनसभा को संबोधित करेंगे। संगठन महासचिव महेश सोनी ने बताया कि पायलट शनिवार को सिंध के सवाई भोज मेला मैदान में दोपहर करीब 1 बजे लोकसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी रामपाल शर्मा के समर्थन में आम सभा को संबोधित करेंगे। आम सभा को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी राष्ट्रीय सचिव धीरज गुर्जर, राजस्थान के मंत्री अशोक चांदना, पूर्व मंत्री डेयरी चेयरमैन और विधायक रामलाल जाट, विधायक कैलाश त्रिवेदी, पूर्व विधायक महावीर मोची, प्रदीप कुमार सिंह, हंगामी लाल मेवाड़ा, विवेक धाकर, पराक्रम सिंह, अनिल डांगी, मनीष मेवाड़ा, पूर्व प्रधान, पूर्व जिला प्रमुख, जिला पदाधिकारी, जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्य, ब्लॉक अध्यक्षगण, अग्रिम संगठनों के अध्यक्ष और पदाधिकारी सहित जिले भर के कार्यकर्ता हजारों की तादाद में आमजन उप मुख्यमंत्री की सभा में सम्मिलित होंगे। ग्रेटर नोएडा में 2 युवकों का मौत का मामला सामने आया है। शहर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब 5 दिन से लापता 2 युवकों के शव नाले में मिले। दोनों युवकों की लाश के साथ उनकी बाइक भी नाले में ही पड़ी मिली। पुलिस ने युवकों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।